खबर मिल रही है, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त हो गया है। शहडोल में राहुल गांधी का दौरा होना था। बड़ी खबर, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त हुआ है। शहडोल वो जाने वाले थे, लेकिन निरस्त होने की खबर सामने आ रही है। 8 अगस्त को प्रस्तावित राहुल गांधी का दौरा बताया जा रहा था, फिलहाल कुछ कारणों के चलते दौरा रद्द हो गया है। अपरिहार्य कार्यों के चलते दौरा रद्द। मध्य प्रदेश आने वाले थे राहुल गांधी, दौरे को लेकर तैयारी भी तेज हो गई थी, दिग्गज तैयारी कर रहे थे, शहडोल वो पहुंचने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये खबर कि दौरा निरस्त हो गया है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कारण बताए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा था, निरस्त होने की खबर? जी, अभी कारण तो सामने नहीं आया कि आखिरकार क्या कारण है, किस कारण से दौरा अपरिहार्य कारण के चलते यह दौरा अभी निरस्त किया गया है। इससे पहले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा निरस्त हुआ था, और अब 8 तारीख को शहडोल आने वाले थे राहुल गांधी, उनका दौरा प्रस्तावित था, कई कार्यक्रम उनको करना था, वहां से सीधी भी जाते, तमाम जगहों पर वे जाते और प्रदेश के दौरे पर रहते, पर यह दौरा ही निरस्त हो गया है। अब यह देखना होगा कि अब कांग्रेस उनके आने का दौरा कब बनाती है और अगला दौरा उनका कब होता है। फिलहाल 8 तारीख को होने वाला दौरा, शेड्यूल आने वाला दौरा अपरिहार्य कारण के चलते निरस्त कर दिया गया है। जी प्रगति, बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि अब दौरा कब निर्धारित किया जाएगा, अगली डेट क्या स्केड्यूल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा निरस्त हो गया है। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं है कि किन कारणों की वजह से दौरा निरस्त हुआ है। हो सकता है कि आगे इसको शेड्यूल किया जाए, आगे इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन अभी